जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एक बार फिर से मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर ट्रिक्स जो हैं वो भी आज हम जानेंगे। सो क्लास 8th हमारी रहेगी, डेली शाम 8 बजे आपको विजयपथ एजुकेशन की तरफ से स्टैटिक जीके की क्लास मिलती है। सो क्लास आप डेली ज्वाइन करें, साथ में आप नोट्स जो हैं वो बनाते रहें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो विजयपथ ऐप आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वीडियो क्लास तथा इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। विजयपथ ऐप डाउनलोड करें और पीडीएफ से जो है वो आप अपने नोट्स को कवर करें। सो क्लास 8th हमारी आज रहेगी, डेली शाम 8 बजे आपके लिए क्लास लगती है, जिसमें स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाइलिंगुअल आपके लिए प्रश्न रहते हैं, पिछले कल भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस स्टूडेंट्स का रहा था। सो डेली जो भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं एक बार उनका भी वेलकम है, और कमेंट आप करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करेंगे, जब आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तभी हमें आइडिया लगेगा कि कितना जो है वो आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है यूरेनस, शुक्र, फिर है वरुण और बृहस्पति, या फिर आप बोल सकते हैं यूरेनस, वीनस, नेपच्यून एंड जुपिटर। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म जो है वो तो आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। लेकिन आज आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया है, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे ठंडा ग्रह वही होगा जो सूर्य से क्या है, सबसे दूर है, वही होगा। तो सबसे दूर ग्रह कौन सा है? पहले तो टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। टोटल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। और सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर कौन? नेपच्यून। इसका मतलब वहां पर सनलाइट उतनी नहीं पहुंचेगी, तो इस वजह से कैसा रहेगा? ठंडा ग्रह रहेगा। तो बिल्कुल सही आंसर आपने किया है, नेपच्यून, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इन द टर्म ऑफ साइज नेपच्यून रैंक्स नंबर इन अवर सोलर सिस्टम, आकार के संदर्भ में। अब आकार की बात बोली गई है, जो नेपच्यून प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में कौन से स्थान पर आता है? जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, फिर है मंगल और उसके बाद बृहस्पति। इस तरीके से हमारे कुछ ग्रह चलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। लेकिन अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, वैसे बेसिकली ये थर्ड नंबर पे है, लेकिन अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग बात करूं, ये तो जितनी जल्दी कोई सूर्य की कक्षा में अपनी एक चक्कर जो लगाता है उसके आधार पर ये रखे जाते हैं, लेकिन अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो पृथ्वी का साइज कौन सा है? 5वें नंबर का साइज है। वैसे ही आकार के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग नेपच्यून कौन से नंबर पे आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, नेपच्यून जो है वो आता है 4th नंबर पर। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट आंसर है आपका, बिल्कुल ऑप्शन डी, जिनका भी राइट यहां पर ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। और इसको सूर्य की अगर परिक्रमा लगानी है तो पृथ्वी को कितने दिन लगते? 365, यानी कि 1 साल। और अगर इसकी बात करें, नेपच्यून जिसको वरुण कहा जाता है, इसको 164 साल लग जाते हैं, लगभग एक चक्कर पूरा करने में 164 वर्ष लग जाते हैं। आगे कुछ पॉइंट में भी वैल्यू होगी, लेकिन मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में काउंट किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच फ्रीडम फाइटर इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा जो है वो किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी?
श्री गणेश किया गया था उस पश्चिमी शिक्षा का। पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजा राममोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी का जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन में काफी ज्यादा योगदान रहा था। इनको भारत में नव जागरण के अग्रदूत के नाम से जानते हैं तथा आधुनिक भारत का पिता भी किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय के द्वारा उनको ही जो है वो कहा जाता है। इन्होंने कलकत्ता में जो है वो 1917 में हिंदू कॉलेज की जो है वो स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज इनके द्वारा जो है वो बनाया गया था, स्थापना की थी। और इन्होंने पश्चिमी सभ्यता में जो है वो पश्चिमी शिक्षा का जो है वो भारत में जो है वो आगमन को शुरू किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, आप सभी जानते हैं अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है। अब इसी गोल्डन टेम्पल से आपके लिए क्वेश्चन है, इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा इन अमृत, फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। मतलब कि किसके द्वारा जो है वो अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सुंदरीकरण के लिए जो है वो जाना जाता है। यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है आपका, गोल्डन टेम्पल है, वहां पर उसकी जो ब्यूटी है यानी कि गोल्डन के द्वारा जहाँ पे गोल्ड का जो है यूज किया गया है, तो किस सिख गुरु की जो है वो देन है? अब ये मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है और सिखों का जो है वो सबसे प्रमुख मंदिर जो है इसको माना जाता है। जी आंसर दीजिए आप इसका, क्या राइट आंसर है? स्वर्ण मंदिर को जो है वो हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल जो है उसको किस नाम से जानते हैं? हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा। और इसका जो है वो रणजीत सिंह ने जो है वो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जो है वो काम किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, रणजीत सिंह। इसके चारों तरफ क्या है? सोने की जो कोटिंग है उसका जो है वो यूज किया गया है इस टेम्पल में। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? हु आर क्रेडिटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर एंडिंग द मुगल रूल इन इंडिया? ऐसे कौन से भारतीय इसमें थे जिनको ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत से मुगल शासन को क्या कर दिया, लगभग पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उनको जीरो तक जो है वो मिटा दिया। तो भारत में सबसे पहला नाम जो लिया जाता है मुगलों को खत्म करने के लिए, वो थे मराठा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। मराठा जो थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए जो है, मतलब उनके खात्मे के लिए जो है वो अपना सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया था। और उनके इस सिलसिले से जो है वो लगभग भारत में मुगल शासन जो है वो लगभग पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला प्रश्न है, किसे गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड की जो है वो स्टार्टिंग की थी? तो ये आपको बताना है। गुरिल्ला युद्ध के तरीके क्या हैं? बेसिकली ये जो है वो एक स्पेनिश लैंग्वेज का एक वर्ड है और इसका मतलब क्या है, गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है कि जैसे झपट करने, जैसे बंदर से आप याद रख सकते हैं, गुरिल्ला जो है उन्हीं की एक प्रजाति है, तो वो क्या करते हैं, झपटते हैं। यानी कि किसी के हाथ में अगर केला देखा या कोई खाने वाली चीज़ देखी तो वो क्या करते हैं, झपट झपट पड़ते हैं। तो गुरिल्ला शब्द जो है वो उसी चीज़ से जो है वो निकल कर आया है। और इसमें जो है वो मुख्य रूप से कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने इसकी जो है वो शुरुआत
की थी। तो ऑप्शन सी, शिवाजी के द्वारा जो है वो इसकी क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। ये जैसे छापेमार में जो है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मेथड का यूज़ किया जाता था कि जैसे जैसे छापा मारना। छापा मारना का मतलब क्या है कि कोई अपने तरीके से काम कर रहा है और पीछे से एज अ फ्लाइंग की तरह, जैसे पेपरों में होती है फ्लाइंग डलती है, तो वैसे वो क्या करते थे शिवाजी जो थे वो दूसरों के ऊपर क्या करते थे, छापा डाल देते थे। तो वो क्या था, गुरिल्ला युद्ध का एक मैथड था। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है, ऐसी कौन सी बुक है जो कि किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में बताता है? कथा सरित सागर, बिनेपिटिक, दीपवंश या फिर राज तिरंगिनी, कौन सा जो है वो इसका राइट आंसर है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर शेयर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो है वो कश्मीर के राजाओं का विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन डी, राज तरंगनी जो है इसका विवरण, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो कश्मीर के राजाओं का काफी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। किसके द्वारा रची गई थी, राज तरंगनी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। कलहण जो एक राइटर थे उन्होंने जो है इसकी रचित की थी रचना, और ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। आगे जो है इसके इसको मॉडिफाई किया गया, इसको ट्रांसलेट किया गया, वो तो बात की बात है। बेसिकली ये जो है वो एक संस्कृत भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है और इसमें मुख्य रूप से 11 अन्य ग्रंथों का जो है वो सहयोग लिया गया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? ऐसे कौन से इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये कैलकुलेट किया कि एक पृथ्वी को सन के ऑर्बिट में कितना टाइम लगता है पूरा एक चक्कर जो है वो पूरा करने में? तो ये चीज सबसे पहले किसने जो है वो बताई थी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको आना चाहिए। उनके एक ग्रंथ थे सिद्धांत शिरोमणि, उसमें जो था ये चीजें व्याख्या सहित जो है वो बताई गई हैं। इसमें एलजेब्रा या फिर ग्रहों की गति जो है, जिसमें कैपेलर लॉ का यूज किया जाता है, अर्थमेटिक था, इन सारी चीजों का जो है वो यूज किया। और सबसे पहले पता किसने लगाया, भास्कराचार्य जी ने। किसने लगाया, भास्कराचार्य। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। आर्यभट्ट किसके लिए जाने जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ जीरो। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको जो है वो कामरूप के नाम से भी जो जाना जाता था? तो आपको बताना है, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऐसे कौन से राज्य था जिसका जो है वो एक पुराना नाम क्या था, कामरूप था, आपको बताना है। और कामरूप जो है वो किसका नाम था, असम का नाम था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। असम को पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था, कामरूप के नाम से जाना जाता था। एसएससी सीजीएल का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो देखिए, डेली आपसे मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछता हूँ जिनको जो है वो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि एग्जामिनर इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है वो डाल सकता है। पिछले कल मैंने आपका एक पबजी गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद अमूल दूध का एक क्वेश्चन पूछा था। आज आप खुद देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, एलआईसी असिस्टेंट में आया है, 2019 में जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था एलआईसी का, उसके बाद आर्मी जीडी 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बीकानेर सेंटर में, उसके बाद टीजीटी आर्ट्स 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम में जो है वो इसे पूछा जा चुका है। अब देखिए, हवा महल कहाँ पर है, सबसे पहले जयपुर में। जयपुर किसकी राजधानी, राजस्थान की। अब इसका जो स्थापना है, आप आंसर शेयर कीजिए, इसकी जो स्थापना है वो किसने करवाई थी, सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा जो है वो की गई थी। किसने की थी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाई थी 1799 ईस्वी में। इसको पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा क्या है,
काफी ज्यादा इसकी खिड़कियां हैं, इसलिए इसको पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जानते हैं। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कितनी खिड़कियां हैं, 553, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, 953 जो है, 553 नहीं 953, 953 टोटल क्या है हवा महल की खिड़कियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? सो इजी क्वेश्चन, एमटीएस का आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, स्टेट है, जिसमें अजंता और एलोरा की जो है वो गुफाएं बनाई गई हैं? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो रॉकेट की तरह जो है वो एक गुफाएं हैं, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म को जो है ये बताती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो देखिए घुमा के आपसे कुछ प्रश्न पूछा है ये, इसमें आपसे ये नहीं पूछा कि आप खानबा के युद्ध में या तराइन या प्लासी या फिर बक्सर के युद्ध में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी, ये नहीं पूछा। अब देखिए आपसे घुमा के प्रश्न पूछा है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तराइन का युद्ध हुआ था, खानबा का हुआ था, प्लासी का हुआ था या फिर बक्सर का हुआ था? देखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है वो कौन सा हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि बैटल ऑफ तराइन, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। कब हुआ था, ये हुआ था 1191 में, कब हुआ था 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान ने क्या की थी, जीत हासिल की थी, और मोहम्मद गोरी ने क्या की, हार जो है वो उनको मिली थी। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ, कब हुआ, बिल्कुल एक साल बाद 1192, और पूरा का पूरा बदला लिया गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे और मोहम्मद गोरी जीते। खानबा का युद्ध की अगर बात करें तो 1527 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, हाँ, और बक्सर का युद्ध शायद एक बार क्रॉस चेक कर लें 1764 या 1765, मेरे को प्रॉपर इसका ईयर तो याद नहीं आ रहा है, शायद 1764 है या 65, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें, शेयर आप आंसर कर दीजिएगा इसका, मेरे को भी ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो स्थल है, लेकिन आपको बोला गया है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं, मतलब सिंधु नदी के आसपास नहीं है, कौन सा है, कोट डिजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर चुहंदड़ो, तो कौन सा है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रोपड़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी सभी स्थल जो है वो आपके सिंधु घाटी नदी के पास में है, और रोपड़ आपका कहाँ पड़ता है आप सभी जानते हैं, पंजाब में पड़ता है, और पंजाब में मुख्य नदी कौन सी है, सतलुज नदी, तो रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के पास में है। अगला प्रश्न है, सॉरी सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, रोपड़ जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे। अब एक ऐसा कोई टाइम था, उस टाइम में जो राजा थे उनको गोपति कहा जाता था, उसका मतलब क्या था, तो आपको बताना है कि गोपति का मतलब क्या था। गोपति बेसिकली राजा है, लेकिन किस चीज का राजा है, ब्रह्मांड का, प्रजा का, भूमि का या फिर मवेशियों का, यानी कि जो पालतू पशु होते हैं वो कैटल्स, तो आपको बताना है यूनिवर्स, पीपल, लैंड या फिर कैटल। तो देखिए गोपति, गो से आपको क्या ध्यान में रखना है, गो किसको बोलते हैं, गो बोलते हैं गौ माता को, किसको बोलते हैं, गाय को, गौ माता को बोलते हैं, गो से, ठीक है। गोपति आपको पहले बता दिया, गोपति का मतलब क्या, यहाँ पे बताएं वैदिक सभ्यता में राजा को कहते थे, राजा किसका, गो का यानी गाय, और गाय किस में आती है, मवेशियों में, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। कुछ आप जो है वो इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो है,
वो आप आंसर बताइए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये तो आप सभी को आना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, क्या इसका राइट आंसर रहेगा? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए ये, बिल्कुल सिंपल। भारत में वैदिक सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे हुई थी, यानी कि वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। सरस्वती नदी जो है उसको काफी ज्यादा पवित्र माना जाता था, मुख्य रूप से ऋग्वेद की जो एक प्रमुख नदी थी, पवित्र नदी थी, वो कौन सी थी? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? यानी कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वहां पर बॉर्डर जो है वो किन दो देशों का है? ये तो आपको आना चाहिए, एक तो भारत का है और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो युद्ध स्थल है, जिसमें लगभग 365 दिन ही पूरा साल के रहती है बर्फ रहती है। तो सल्यूट है हमारे आर्मी मैंस को, हमारे सोल्जर को, जो हमारे लिए इतनी मुश्किलों में जो है वो वहां पर रहते हैं, तो उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो आप कीजिए। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो है वो ऐसा आर्मी स्टेशन है जहां पर हमारे इंडिया के जो है वो जवान रहते हैं। और ये जो विवाद है मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम आपको बताना है। ध्यान रखें दुनिया की सबसे बड़ी नदी नहीं पूछी गई है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, नील नदी के ऊपर टिक कर देते हैं। नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछी गई है। और एशिया में आपका भारत आता है, चाइना आता है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन डी यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी जो है ये मुख्य रूप से एशिया की सबसे बड़ी नदी है, चीन से होके जो है ये गुजरती है और विश्व की जो है वो सबसे तीसरे नंबर पर आती है। देखिए विश्व में सबसे पहले नंबर पर कौन सी? नील नदी, दूसरे पे अमेजोन और तीसरे पे यांगत्जे नदी। ये वर्ल्ड के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर एशिया की बात करें तो ऑप्शन डी जो है ये पहले नंबर पर आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो गेहूं सबसे ज्यादा होगी चाइना में। कहाँ पे है? चाइना में। अगर ब्राजील की बात करें, ब्राजील में क्या होता है सबसे ज्यादा, आपको पता होना चाहिए, कल भी बताया था, चाय जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ब्राजील में है। और भारत जो है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है गेहूं उत्पादक में। भारत कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन? चाइना। अगला प्रश्न, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, यानी कि स्टडी ऑफ माउंटेन क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ माउंटेन को हम क्या कहते हैं? आंसर आप शेयर कीजिए, क्या कहते हैं? ओकोलॉजी कहते हैं, लिथोलॉजी ओरोलॉजी या फिर ऑर्नियोथोलॉजी, क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन सी ओरोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं, ओरोलॉजी। ओरोलॉजी यानी कि ऑप्शन सी जो है क्या कहते हैं उसको, स्टडी ऑफ माउंटेन के नाम से उनको जाना जाता है। अगर बात करें हम ओकोलॉजी की, ओकोलॉजी कौन सा है आपका? ऑप्शन ए है। ये बेसिकली साइंस से रिलेटेड है और आयुर्विज्ञान की जो है, आयुर्वेद की जो है वो एक शाखा है। इसमें मुख्य रूप से कैंसर का अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से कैंसर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है आपके पास लिथोलॉजी, लिथोलॉजी जो है इसमें शेल्स का जो है वो देखा जाता है, शेल्स जो भी हमारे कक्ष होते हैं, जैसे कि पत्थर हैं बड़े बड़े, वो शेल हैं, ठीक है, तो इनमें जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, फिजिकल एंड जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है उसमें देखा जाता है। उसके बाद अगर बात करें ऑर्किनोलॉजी की, तो ये तो इजी है, इसमें बर्ड्स का देखा जाता है, पक्षियों का जो है वो संरचना जो है वो देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर शेयर कीजिए, क्या राइट आंसर है इसका? मेघालय, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है? सिर्फ तीन राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरे हैं। पहला राज्य मेघालय है, दूसरा है त्रिपुरा और तीसरा है असम।
ये तीनों के तीनों जो हैं वो बांग्लादेश के नाम बांग्लादेश से घिरे हैं। बांग्लादेश को पहले 1971 से पहले जो है किस नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बाद में ये आज़ाद हो गया और ये बांग्लादेश नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ। और इसके साथ जो है वो किसकी सीमा नहीं लगती, मणिपुर की सीमा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती। इसके जो बांग्लादेश है इसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल की जो है वो सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं उसको, ठीक है जी, गॉडविन ऑस्टिन को K2 के नाम से जानते हैं। अब आपको बतानी है इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है। अभी अपडेट हो गई थी कुछ टाइम पहले, पहले इसकी कितनी थी और अब कितनी है। इसकी जो है वो हाइट थोड़े टाइम पहले जो थी वो बढ़ गई थी, अब वर्तमान में जो इसकी हाइट है वो 8611 है, 8611 मीटर है। इससे पहले 8586 थी, 8586 इसकी हाइट थी, अब जो है वर्तमान में 8611 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई कालिया योजना किससे संबंधित है। कालिया योजना जो है वो किससे रिलेटेड है। उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया गया है, बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए यानी स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए या फिर किसान के लिए। तो देखिए कालिया योजना, ठीक है, अब कालिया, कालिया से आप क्या रख सकते हैं, ठीक है जी, कालिया बैल होता है, ठीक है, काले क्या होते हैं, गाय होती है, ठीक है, भेड़ बकरी भैंस कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो उन उनका संबंध किससे है, बेसिकली किसान से है, क्योंकि किसान क्या करता है, ज्यादातर पशुओं को क्या करता है, पालते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर रहेगा। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है वो खेती की सहायता के लिए या फिर फाइनेंस के लिए या फिर उसमें बीमा जो है इंश्योरेंस करवाई जाती है, तो एक किसानों के लिए जो है वो ये योजना शुरू की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित नहीं है। आपको बताना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की मुख्य योजना है और 22 जनवरी 2015 को जो है इसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की गई थी। हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और इसका उद्देश्य क्या था कि जो लड़कियां हैं उनको उनको जो है वो उनके लिए भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, उनकी भागीदारी जो है वो सक्षम होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में जो हमारी लड़कियों से रिलेटेड जो न्यूज़ चली है उसमें सांसद भारत दर्शन जो है वो कार्यक्रम एक चलाया गया है, हिमाचल के सांसद हैं अनुराग सिंह ठाकुर उनके द्वारा, जिसमें पूरे के पूरे जो हमारे टॉप पे जो लड़कियां रहती हैं एजुकेशन में उनको पूरा का पूरा भारत जो है वो घुमाया जाता है और भारत दर्शन नाम की योजना जो है वो उनके द्वारा शुरू गई है। तो काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेटियों के लिए जो है वो लिया गया है। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो इसमें आएगा ही। उसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य परिवार तो ये भी आएगा क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। मानव संसाधन HRD ये भी इसमें काउंट होगा ही होगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट बेसिकली ग्रामीण एरिया के लिए है तो ये इसके साथ है, लिंक नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास को क्या कहा जाता है। अब भारत की जो एयरफोर्स है और फ्रांस की जो एयरफोर्स है उन दोनों के बीच एक प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है, उसको क्या नाम दिया गया है, वज्र, वरुण, यम या फिर गरुड़। आपको ये बताना है क्या इसका राइट आंसर है, आंसर शेयर कीजिए इसका, क्या इसका सही आंसर रहेगा। भारत और फ्रांस के बीच जो है वो सैन्य अभ्यास करवाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं,
बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, वरुण। देखिए ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है, फ्रांस से आप क्या कर लीजिए, फ्रांस से याद रख लीजिए फैन, एफ से फैन, एफ से फ्रांस। अब आप किसके फैन हैं, वरुण धवन के फैन हैं, तो भारत में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, भारत। अब आप किसके फैन, फैन से हो जाएगा फ्रांस, और किसके फैन, वरुण के, तो ऑप्शन बी यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है और जो फ्रांस की एयरफोर्स है उनके बीच जो एक्सरसाइज करवाई जाती है उसका नाम क्या है, वरुण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जियो मार्ट का सॉफ्ट लॉन्च किया है और उस किसका वो ई कॉमर्स वेंचर है। आपको बताना है कि जियो मार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, इंफोसिस से, टाटा ग्रुप से, रिलायंस से, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर से। तो ये तो काफी इजी प्रश्न है, और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ये आपका जेई सिविल्स एग्जाम में आपसे पूछा गया था, हिमाचल में आपका एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि उस टाइम पे जियो मार्ट जो है वो अभी स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे लिए ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो बन चुका है। तो जियो मार्ट जो है वो किसका एक पार्ट है, 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है वो इनको शुरू किया था। मालिक कौन है इनके, इनके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। जियो मार्ट का बेसिकली क्या है कि जियो मार्ट के माध्यम से जो है वो घर बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो की जाती है। अगर बात करें इसके टैगलाइन की, कल भी आपसे एक अमूल की टैगलाइन मैंने पूछी थी, तो अमूल दूध की एक टैगलाइन थी वहां पे, टेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसकी टैगलाइन है। तो वैसे ही आज का आपके लिए प्रश्न क्या है, ये जो जियो मार्ट है इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी जो टैगलाइन है वो है देश की नई दुकान, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है जी, जैसे कल पूछा था द टेस्ट ऑफ इंडिया किसकी टैगलाइन है, अमूल की, तो वैसे ही देश की नई दुकान जो है वो किसकी टैगलाइन है, जियो मार्ट की है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आपके लिए रहेगा वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से जो है ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पर स्थित है, कटक, पटियाला, करनाल, या फिर अगरतला। आपको बताना है कहाँ पर ये स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS जिसको हम कहते हैं, NIS कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है आपका पटियाला में स्थित है, पटियाला में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है ये, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, खेल संस्थान है। अगला प्रश्न है, BSI का मुख्यालय कहाँ पर है, बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, असम, नई दिल्ली, कोलकाता, या फिर भोपाल। जल्दी से आंसर शेयर कीजिए, क्या राइट आंसर है इसका। वनस्पति से आपको बताना है, वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है, बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ये कलकत्ता में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे कि अगर भारत टी बोर्ड की अगर मैं बात करूं, भारत टी बोर्ड की अगर बात करूं कहाँ पर स्थित है ये, तो ये आपके हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, पालमपुर में स्थित है, जहां पर चाय के बगान है। भारत टी बोर्ड जो है कहाँ पर है, पालमपुर में स्थित है। वैसे ही BSI जो है जिसको बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। जो कांग्रेस घास, आपने सुना होगा एक खरपतवार है जो कि मुख्य रूप से हिमाचल में भी ये हो जाती है, जिसको कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं या फिर गाजर घास के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली है क्या। ठीक है, तो उसका नाम जो है वो आपसे पूछा है, लेंटाना है, साइप्रस है, पार्थेनियम है, या फिर जैथियम है। तो कांग्रेस घास जो है वो बेसिकली उसमें बिल्कुल येलो येलो कलर के फूल आ जाते हैं, अन्य घास को वो होने नहीं देता है, और इसके द्वारा जो घास है वो पूरा का पूरा, बाकी जो सॉफ्ट ग्रास है जो पशुओं के लिए दिया जाता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बेसिकली है क्या ये है पार्थेनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो
मिथेन को किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट है, इजी है, फ्रियोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला, मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों माना जाता है? इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या करता है वो, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के साथ क्या जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है हमारे लिए हानिकारक है। इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फीमर हड्डियों को क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं फीमर की हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? जांग की हड्डी, थिक्स बोन्स, उसको क्या कहते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अब देखिए, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इलाहाबाद ही करेंगे, लेकिन इलाहाबाद में नहीं है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, इलाहाबाद में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हिमाचल में ग्रामीण बैंक है, ठीक है जी, ग्रामीण बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। कहाँ पर है? मंडी में है। जैसे कि केसीसी बैंक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है धर्मशाला में, कांगड़ा में नहीं है। नाम उसका कांगड़ा से है, केसीसी भी बैंक, लेकिन उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? धर्मशाला में। वैसे ही इलाहाबाद बैंक जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? उसका हेड ऑफिस है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। और वर्तमान में इलाहाबाद बैंक जो है वो क्या हो गया है? मर्ज हो गया है। तो ये किसमें मर्ज हुआ है? इंडियन बैंक में जो है वो इसको मर्ज कर दिया गया है। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने कुछ बैंकों को मर्ज किया था, जिसमें से इलाहाबाद बैंक है, जिसको इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया। और अगर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की बात करूं तो उसको किसमें मर्ज कर दिया गया है? एसबीआई की ब्रांच में मर्ज कर दिया है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पेपर जो बैंक को एक विशिष्ट राशि के लिए एक व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भुगतान करने का निर्देश देता है। यानी कि ये तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एमटीएस में आपसे पूछा गया, ऐसी कौन सी चीज है जो एक व्यक्ति जो देता है दूसरे व्यक्ति के लिए और जिसमें खाते से जो है वो राशि कट जाती है, तो हम क्या देते हैं दूसरे व्यक्ति को? क्या देते हैं? चेक देते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। एसएससी एमटीएस 2017 शिफ्ट 2 का आपका ये क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे क्या था, पूछा गया था। अंतिम प्रश्न है आपके लिए, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? यानी कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये राज्यसभा जो है वो क्या है, संसद का परमानेंट सदन है, टेम्परेरी नहीं है। लोकसभा इज द टेम्परेरी, लेकिन जो राज्यसभा है वो क्या है, एक परमानेंट सदन है, किसका? संसद का। आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी है। डेली हिंदी इंग्लिश में करंट अफेयर पाने के लिए, साथ में न्यूज़पेपर के लिए आप विजयपथ एजुकेशन के ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी वो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा। डेली शाम 8 बजे आपको स्टैटिक जीके की क्लास करवाई जाती है, और जल्दी ही आपका मैथ का फ्री बैच जो है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके साथ जनरल साइंस रीजनिंग के बैचेस के ऊपर भी हमारी अप्रोच रहेगी, वो भी हम जल्दी ही आपके लिए जो है वो डेली टू डेली स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।